दोस्तों, उमरान मलिक को ना चलाने पर भारतीय दिग्गजों का पाकिस्तानी दिग्गजों ने उड़ाया मजाक और कहा कुछ ऐसा जिसने पूरे क्रिकेट जगत में मचा दी हलचल। तो दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तानी दिग्गजों ने क्या कहा अपने बयान में, ये तो हम आपको बताएंगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि उमरान मलिक को अगले मुकाबले में खिलाना चाहिए या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक रोंगटे खड़े कर देने वाले साउथ अफ्रीका और भारत के बीच के पहले T20 मुकाबले में भारत के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करी, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन ने ताबड़तोड़ 76 रन की पारी खेली और इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने 23, ऋषभ पंत की 29 और श्रेयस अय्यर की 36 रन की पारी के अलावा अंत में हार्दिक पांड्या की तेज तर्रार 31 रन की पारी के कारण भारतीय टीम ने 211 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना दिए। लेकिन इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम उतरी तो शुरुआत से ही कप्तान 10 रन पर आउट हो गए, लेकिन इसके अलावा बल्लेबाजी करने 81 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिरने के बाद डेविड मिलर आए और वेंडर हुसैन के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर के द्वारा वेंडर हुसैन का 29 रन पर बहुत ही आसान सा कैच छूट गया और भारतीय टीम को यह बहुत भारी पड़ गया और वेंडर हुसैन ने इसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 75 रन की पारी खेली और इसके अलावा डेविड मिलर ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 64 रन की मैच जिताऊ पारी खेली और मुकाबला 5 गेंद पहले साउथ अफ्रीका की टीम ने 7 विकेट से जीत लिया और भारतीय टीम को लगातार 13 मुकाबले जीतने के विश्व रिकॉर्ड बनाने से रोक दिया। और इसी बीच पाकिस्तानी दिग्गजों ने उमरान मलिक को ना खिलाने पर बयान दिया, जिसमें शाहिद अफरीदी ने कहा कि भारतीय टीम इस मुकाबले को मलिक की गैर मौजूदगी के कारण हारी है, क्योंकि मलिक अगर इस मुकाबले में खेलते तो उनकी रफ्तार से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हिल जाते और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों पर शिकंजा कसने के लिए इस समय भारतीय टीम में कोई भी खिलाड़ी नहीं था, जिसका फायदा साउथ अफ्रीका ने उठा लिया और साउथ अफ्रीका की टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को चकनाचूर कर दिया और बड़े से बड़े बच्चे को भी भारतीय टीम नहीं रोक पाई और मलिक के कारण भारतीय टीम जीत सकती थी। तो दोस्तों, वही इंजमाम उलक ने कहा कि भारतीय टीम इस मुकाबले को उमरान मलिक के कारण जीत सकती थी, लेकिन उमरान मलिक को भारतीय टीम ने पहले T20 मुकाबले में जगह नहीं दी, जिसके कारण विरोधी टीम भारतीय टीम पर मजबूत हो गई और साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम को चकनाचूर कर दिया और भारतीय टीम के लिए ये मुकाबला जीतना आसान हो जाता अगर उनके पास गति वाला गेंदबाज होता, क्योंकि इस मुकाबले में गेंदबाजों के द्वारा बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को नहीं मिली, लेकिन उमरान मलिक होते तो वो अवश्य ही भारतीय टीम को जीत दिलाने का कार्य करते और उनके होने से भारतीय टीम और मजबूत दिखाई देती, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो वहीं शोएब अख्तर ने कहा कि भारतीय टीम इस मुकाबले को उमरान मलिक के ना होने के कारण हारी है और अगर मलिक भारतीय टीम के साथ होते तो भारतीय टीम की ये दुर्दशा नहीं होती, क्योंकि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका का विकेट लेने के लिए बहुत ही ज्यादा मचल रही थी और भारतीय टीम के गेंदबाजों के विकेट लेने से भारतीय टीम मुकाबले को जीत सकती थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने भारतीय टीम की कमजोर गेंदबाजी पर प्रहार किया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके भारतीय टीम को इस मुकाबले में बुरी तरह से शिकस्त दे दी और उमरान मलिक का ना होना भारतीय टीम की हार का कारण बन गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उमरान मलिक के ना खेलने के कारण भारतीय टीम इस मुकाबले को हारी है या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।